हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटनाचक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है गांधी इरविन समझौता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के विस्तारित होते स्वरूप को देखते हुए वायसराय इरविन ने देश में सौहार्द का वातावरण उत्पन्न करने के उद्देश्य से 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया। तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर के प्रयत्नों से गांधी और इरविन के मध्य फरवरी 1931 में दिल्ली में वार्ता आरंभ हुई। 5 मार्च 1931 को दोनों के मध्य एक समझौता हुआ जो गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के परिप्रेक्ष्य में सरोजनी नायडू ने गांधी और इरविन को दो महात्मा की संज्ञा दी थी। गांधी इरविन समझौते के अनुसार गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार हो गई। दूसरा, सभी युद्ध बंदियों जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था इनको रिहा करने का आदेश दे दिया गया। विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार। समुद्र तटीय प्रदेशों में बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई, परंतु इस समझौते ने जनता को निराश किया क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी न दिए जाने की जनता की मांग को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया था। इरविन के जीवनीकार एलन कैंपबेल जॉनसन ने, नाम याद रखिएगा, इरविन के जीवनीकार कौन है, एलन कैंपबेल जॉनसन, इसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभों को संतावना पुरस्कार और इरविन के एकमात्र आत्मसमर्पण के रूप में बातचीत के लिए सहमत होने को कहा था। इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया है, गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से, गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखिए, गांधी जी ने फरवरी 1931 में वायसराय लॉर्ड इरविन से भेंट की और उनकी बातचीत 15 दिनों यानी 8 बार वार्ता मतलब हुई थी। तो 15 दिन इनके बीच जो है वार्ता चली, जिसके परिणाम स्वरूप 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना गया। इस समझौते के तहत कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करना पड़ा। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई। वस्तुतः प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस शामिल नहीं हुई थी। यह समझौता मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए हुआ था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या सेकंड है, पूछा गया कि गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित था। गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित था, पहला इसमें जो दिया गया है राउंड टेबल, राउंड टेबल यानी गोलमेज सम्मेलन कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना, क्या यह सही है बताइए। तो देखिए बिल्कुल सही है। दूसरा, असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना, क्या यह सही है, बिल्कुल। तीसरा है, पुलिस की ज्यादतियों की जांच करने के लिए गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति, तीसरा गलत है। चौथा, केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था, बिल्कुल सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। गांधी इरविन समझौता जिसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, 5 मार्च 1931 को दिल्ली में संपन्न हुए। इसके तहत निम्नलिखित प्रावधान थे, पहला गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना, दूसरा असहयोग आंदोलन यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना, तीसरा जिन राजनीतिक बंदियों पर हिंसा के आरोप थे उन्हें छोड़कर बाकी को रिहा करना, जबकि पुलिस की ज्यादतियों की जांच के लिए गांधी के सुझाव पर स्वीकृति को इसमें शामिल नहीं किया गया था। इस प्रकार आपका अविष्ट उत्तर विकल्प बी होगा। गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ था, समय बताइए। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर 1931 में हुआ था, याद रखिएगा, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को संपन्न हुआ। इस समझौते के अनुसार अगर बात करें तो जो बातें शामिल थी ध्यान रखिएगा, गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार हो गई। दूसरा, सभी युद्ध बंदियों जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था इनको रिहा करने का आदेश। विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार।
और समुद्र तटीय प्रदेशों में बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति, कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई, परंतु इस समझौते ने जनता को निराश किया। क्यों? क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी न दिए जाने की जनता की मांग को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया था। प्रश्न संख्या 4 है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो आपको मालूम है, सही जवाब है 1931 में, बी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 5 है, 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन समझौता हुआ? 5 मार्च 1931 को जो समझौता हुआ था, उस समझौता क्या था, कौन सा समझौता था? तो आपको मालूम है, गांधी इरविन समझौता, सी ऑप्शन। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। 6 नंबर है, निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था? किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था? ऑप्शन ए में दिया गया है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन सी गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी इरविन समझौते में किए जाना यानी स्थगन किए जाना प्रस्तावित था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन इसका सही जवाब होगा। 7 नंबर है, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? नाम याद रखिएगा, तेज बहादुर सप्रू। सविनय अवज्ञा आंदोलन के विस्तारित होते स्वरूप को देखते हुए वायसराय इरविन ने देश में सौहार्द का वातावरण उत्पन्न करने के उद्देश्य से 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया। तेज बहादुर सप्रू और एम आर जयकर, इन दोनों का नाम याद रखना है। तेज बहादुर सप्रू और एम आर जयकर के प्रयत्नों से गांधी और इरविन के मध्य फरवरी 1931 में दिल्ली में वार्ता आरंभ हुई और 5 मार्च 1931 को दोनों के मध्य एक समझौता हुआ जो गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के परिप्रेक्ष्य में सरोजिनी नायडू ने गांधी और इरविन को क्या कहा? इस समझौते के परिप्रेक्ष्य में सरोजिनी नायडू ने गांधी और इरविन को दो महात्माओं की संज्ञा दी थी, दो महात्मा कहकर इनको संबोधित किया था, ध्यान रखिएगा। और प्रश्न संख्या 8 है, गांधी इरविन समझौते में किसने मध्यस्थ की भूमिका अदा की? गांधी इरविन समझौते में किसने मध्यस्थता की भूमिका अदा की? नाम है तेज बहादुर सप्रू। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में आपको बताना है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में किसने इरविन और गांधी को दो महात्मा कहा था? गांधी और इरविन को दो महात्मा कहकर संबोधित किया था किसने? सरोजनी नायडू ने। और प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को संतावना पुरस्कार कहा था? निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को संतावना पुरस्कार कहा था? तो आपको मालूम है, नाम है एलन कैंपबेल जॉनसन। देखिए, इरविन के ये जीवनीकार हैं, इनका नाम है एलन कैंपबेल जॉनसन। इन्होंने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभों को संतावना पुरस्कार और इरविन के एकमात्र आत्मसमर्पण के रूप में बातचीत के लिए सहमत होने को कहा था। तो गांधी के लाभों को संतावना पुरस्कार और इरविन के एकमात्र आत्मसमर्पण के रूप में बातचीत के लिए सहमत होने को कहा था, ठीक है। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए को माना था, परंतु संशोधित उत्तर पत्र में विकल्प बी सही उत्तर मान लिया, जो कि सही भी है, तो ध्यान रखिएगा। और देखिए, नेक्स्ट सेशन हमारा होगा कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931, तो इसको नेक्स्ट सेशन में हम लोग डील करेंगे। अभी के लिए इतना ही, आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, टेलीग्राम क्विज ग्रुप और टेलीग्राम चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ज्वाइन कीजिए, वहां पे बहुत सारे अपडेट जो है दिए जाते हैं ताकि आपके तैयारी में बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।